सबसे बड़ा धन। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां तीन बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे, वे गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहां आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या यहां कहीं थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूं और बहुत भूख भी लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जा रहे हैं, अभी कुछ लेकर आते हैं। वे गाँव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी दो समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न ही बंगला गाड़ी, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई करी और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो दो बालक थे, अब उनके क्या हालचाल हैं? मैं चाहता हूँ एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलूं। अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ, राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ एक वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुँच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले बाढ़ आ गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा नहीं सकता है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन विद्या ही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।